अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम बच्चे? खैरियत से हैं? हमेशा की तरह इस बार भी हमारा यूट्यूब चैनल सबसे पहले आपके सामने पाकिस्तान एयरफोर्स के कमीशन के इनिशियल टेस्ट के एक्सपीरियंसेस आज शेयर कर रहा है। जिस तरह पिछली बार भी और उससे लास्ट टाइम भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले आप बच्चों की उम्मीदों पे पूरा उतर के एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा रवायत को बरकरार रखते हुए पहले सबसे पहले यूट्यूब पर हमारे चैनल पर अथेंटिक एक्सपीरियंसेस जो है वो अपलोड हो चुके हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 10 स्टूडेंट्स का टेस्ट था, जिनमें से बेटा 6 बच्चों ने अभी तक एक्सपीरियंसेस शेयर कर दिए हैं और 4 बच्चे अभी तक सेंटर से वापस नहीं आए। जैसे वो भी आते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस भी आपसे शेयर किए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम GDP&CAE&AD के एडमिन स्पेशल ड्यूटी और लॉजिस्टिक ब्रांच के एक्सपीरियंसेस आज आपसे शेयर करेंगे कि आज इंटेलिजेंस वर्बल नॉन वर्बल कैसा था, एकेडमी कैसा है, टेस्ट की नोयत मीडियम इजी या हार्ड है, किस तरह का आ रहा है। तो तमाम तर इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी, शेयर की जाएंगी। तो चलिए हमारा पहले एक्सपीरियंस की तरफ हम बढ़ते हैं। अली रज़ा का एक्सपीरियंस है, माशाल्लाह से पास ने GDP का जनरल ड्यूटी पायलट का है और 11 सितंबर 2024 मीन्स के आज इनका टेस्ट हुआ है। चलें इनके एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आज मेरा टेस्ट था मियांवाली से, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना टेस्ट पास कर लिया है, आपके नोट्स से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई सर। टेस्ट में इंटेलिजेंस वर्बल नॉन वर्बल और एकेडमिक फिजिक्स एंड इंग्लिश था और सर टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और टफ था सर। इंटेलिजेंस में आगे उन्होंने एक इंटेलिजेंस के क्वेश्चन शेयर किए हैं, जिस तरह बेटा इस स्टेटमेंट को हम अगर गौर करें तो उन्होंने क्या बताया, ये प्री मेडिकल वाला बच्चा तो इसलिए इनका फिजिक्स और इंग्लिश था। तो जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं तो वो ये ना समझेंगे प्री मेडिकल का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है और हमारा डिफरेंट है, सिर्फ बेटा मैथ की एडिशन है, बाकी सेम यही चीज़ें आपको आने जो आज इनको आई हैं, ठीक है। तो बेटा जिस तरह कि इन्होंने बताया कि टेस्ट सर बहुत मुश्किल और टफ था, लिहाजा ये चीज़ें बेटा आपने गौर से देखनी है और अपनी तैयारी अच्छे से अच्छी करनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द लिस्ट, इन्होंने बताया कि सर एक 4 ऑप्शन थे और उनमें से ये था कि कौन सा डिफरेंट है लिस्ट में से, तो बाकी 4-3 दूसरे थे, तो अडल्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर था। अब आगे उन्होंने क्वेश्चन शेयर किया, इफ़ बॉक्स इज़ टू 3 एंड देन बॉक्सर इज़ टू 5, ये कैसे है कि बेटा बॉक्स के कितने डिजिट हैं, BOX 3 है ना और बॉक्सर के 5 हैं, इसलिए ये 5 आएगा। गुड इज़ टू बेटर एंड बैड इज़ टू वर्स, उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट फ्राम लिस्ट, तो डिफरेंट फ्राम लिस्ट में सर्कल है, तो ये जो सर्कल है ना इसके साथ ही मिलते जुलते क्वेश्चन आंसर आपको आएंगे MCQs में ना, डायगोनल हो गया और इस तरह दूसरी चीज़ें, तो उनमें से एक करेक्ट होगा। और उसके बाद बेटा कोडिंग का क्वेश्चन है, इफ ACNPNPJL मीन बुक, व्हाट डज द GINPQSRTDF मीन, तो इसका मतलब है हाउस। ये मैं किसी दिन आपको ना समझाऊंगा कि ये किस तरह से आ रहा है। सन इज टू फादर एंड नेफ्यू इज टू अंकल, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज, आपने सीरीज कंप्लीट करनी है, सीरीज में आगे क्या आएगा, 11777539, तो आगे बेटा आएगा 3773, ठीक है सर। इंटेलिजेंस के सारे क्वेश्चन आपके प्रोवाइडेड 5 फाइल में से था, तो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको 5 फाइल दी थी वर्बल की और नॉन वर्बल की, और मैंने कहा था बेटा इनको अच्छे से काट लो, इधर से ही वर्बल आपका हो जाएगा सर। तो आपने देखा कि वर्बल किस तरह के अजीब से और टफ से थे, तो अगर आप इंशाल्लाह हमारे नोट्स की ये 5 फाइल कर लेते हैं तो बेटा अच्छे से अपना जो है वो कर सकते हो टेस्ट, अच्छे मार्क्स के साथ वर्बल भी पास कर सकते हैं। विच वन इज़ द डिफरेंट फ्राम दी फॉलोइंग लिस्ट, तो इनमें सिटीज़ के नाम होंगे तो बेटा लाहौर जो है वो डिफरेंट होगा, और नॉन वर्बल सर बहुत अजीब सा था बेटा, टेस्ट बहुत मुश्किल है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब एकेडमी की तरफ आ जाएं, जो मेन चीज़ है जिसमें हर बार बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं और इस बार क्या सूरत-ए-हाल रही है वो भी आपको ये बच्चा बताएगा। एकेडमिक में सर आपके नोट्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए और आपके नोट्स से ही मेरा टेस्ट पास हुआ, मोस्ट वेलकम। अब देखिए बेटा क्या क्वेश्चन उन्होंने बताए हैं, इफ़ द प्लेन ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉयल इज़ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, द टार्क ऑन द कॉयल इज़, आपने बताना कि कॉयल पे जो टार्क होगी वो क्या होगी, D.T इज इक्वल टू NIAB, हमारा जो है ये करेक्ट आंसर है। मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी आर रिलेटेड बाय, मैग्नेटिक फ्लक्स और जो मैग्नेटिक डेंसिटी है ये रिलेटेड हैं किसके, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई एरिया, ठीक है, एरिया हमारे पास करेक्ट आंसर है बी वाला। द चार्ज पार्टिकल इंटर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ वे दैट्स इनिशियल वेलोसिटी इज पर नॉट परपेंडिकुलर टू द फील्ड, द ऑर्बिट विल बी डी है हेलिक्स, ठीक है। वैल्यू ऑफ परमीएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस इन SI यूनिट, तो वैल्यू परमीएबिलिटी की फ्री स्पेस में बतानी है SI यूनिट में कितनी है,
फोर पाई मल्टीप्लाई टेन की पावर माइनस सेवन डब्ल्यू बी ए माइनस वन एम माइनस वन। पार्टिकल हैविंग द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन की ये डेफिनेशन आपको ये बस पूछी गई है, तो उसकी स्टेटमेंट ऊपर लिख के नीचे उसका ऑप्शन दे दिया गया कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, पॉजिट्रॉन। ठीक है, चार होंगे बेटा, उनमें से एक करेक्ट होगा। जिस तरह ये पॉजिट्रॉन की है तो इसमें आपको चार ऑप्शन क्या मिल सकते हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन। तो आपने इसे इनमें देखें मिलते जुलते होंगे, तो आपने करेक्ट जो है वो चूज़ करना। तो बेटा आपने देखा कि किस तरह के अजीब क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसके बाद बेटा बच्चे ने बताया कि मैंने सर बिलाल आरिफ व्हाट्सएप 03026617439 के नोट्स बाय कार्ड के सिर्फ 5 दिनों में तैयारी की थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा टेस्ट अच्छे मार्क्स के साथ पास हो गया। सर के नोट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे। अकेडमिक में क्वेश्चन आए और सर आज हमारे सेंटर में बहुत बच्चे फेल हुए। मैंने सिर्फ आपके नोट्स को ही प्रिपेयर किया था और सर इंग्लिश के भी सारे क्वेश्चन आपके नोट्स से ही आए। सर आपके नोट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे। मैं सबको यही कहूँगा कि अगर आपने टेस्ट पास करना है तो आप सर बिलाल के नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और आपने टेस्ट अच्छे मार्क्स के साथ पास कीजिए और सर की फ़ी भी बहुत अफोर्डेबल है। तो बेटा आपने देखा कि माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट ने आज हमारे नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर किया था, आज इनका टेस्ट था और माशाल्लाह इन्होंने अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छी परसेंटेज के साथ अपना टेस्ट पास किया और अच्छे मार्क्स भी लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बताया कि एकेडमिक टोटली हमारे नोट्स में से था और आपको भी इन्होंने बताया कि आप भी हमारे नोट्स प्रिपेयर करके तैयारी कर सकते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास क्या है, 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर मैंने 27 केजी। आंसर, न्यूक्लाई हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर आइसोबर, आइसोटोप, आइसोबर। आपको इस तरह का आंसर आएगा, ऑप्शन आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आइसोबर। अ मास स्पेक्ट्रोग्राफ सार्स एलिमेंट। ठीक है, हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, एलिमेंट। सर इंग्लिश में सनोनियम एंटोनियम थे, सनोनियम ऑफ वोरल, एंटोनियम ऑफ एबरी एट्सेट्रा। अब बेटा ये जीडीपी का आपने देखा, अब हम चलते हैं एडी की तरफ। नेम है फरहान, डिफेंस का टेस्ट सर सेंटर पेशावर में था और माशाल्लाह पास रहे। टुडे आई हैव माई टेस्ट अर्ली मॉर्निंग डॉक्यूमेंट्स चेकिंग देन फॉर टेस्ट। बेटा पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होगी फिर आपको टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। टेस्ट इज़ टू मच टफ बट इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड यू कैन पास। आई हैव प्रिपेयर्ड सर बिलाल आरिफ व्हाट्सएप नोट्स, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव पास्ड विद गुड मार्क्स। सर वर्बल इज इफ शीप इज टू वूल एज कैट इज टू फर। ठीक है, गन इज टू सोल्जर एज फिल इन द ब्लैंक इज टू फोटोग्राफर। तो हमारे पास बहुत ईजी ये क्वेश्चन है, कैमरा। वट विल कम इन द नेक्स्ट सीरीज, सीरीज को कम्प्लीट करना है 2, 9, 14, 21, 26, तो आगे 33 आएगा। रिंग इज़ टू फिंगर एज वॉच इज टू रिस्ट। ठीक है, हार्ट इज़ टू बर्न एंड कूल इज़ टू फ्रीज, गर्म जो है वो जलता है, ठंडा जो है वो जमता है। कमाल इज़ ओल्डर देन जमाल, जमाल इज़ ओल्डर देन हुसैन, हुसैन इज ओल्डर देन वकार, हु इज़ ओल्डेस्ट। तो हमारे पास कमाल जो है वो करेक्ट आंसर है। एंड सर वर्बल आलमोस्ट 80% फ्राम योर गुड नोट्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा जो हमने इनको नोट्स दिए थे तो उन्हीं से इनका टेस्ट जो है वर्बल का पास हो गया। नॉन वर्बल प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है और अकेडमी की तरफ बढ़ते हैं। सर वन ऑफ द क्रिटिकल टफेस्ट पार्ट ऑफ द टेस्ट इज अकेडमिक पार्ट, सर यूर अमेजिंग नोट्स इज इनफ फॉर टेस्ट क्लीनर्स। बेटा आपने देखा कि उन्होंने बताया कि अकेडमिक जो है वो बहुत मुश्किल और क्रिटिकल पार्ट है। अकेडमिक इज कंसिस्ट ऑफ फिजिक्स एंड इंग्लिश, द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज, तो विचुअल एंड इरेक्ट हमारे पास उसका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज़ यूज इन मोटर व्हीकल नियर ड्राइवर सीट, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, कन्वेक्स मिरर। फिल इन द ब्लैंक एंड आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड ऑफ एन एटम, तो बेटा आपने बताना है कि क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। द साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-15। फ्रॉम मून सरफेस एस्ट्रोनॉट सी अ ब्लैक स्काई, दिस इज बिकॉज ऑफ, क्यों जो है वो ब्लैक उनको दिखते हैं, एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन मून, क्योंकि मून पे एटमॉस्फेयर नहीं होती है। और उसके बाद बेटा बच्चे ने बताया है, आई हैव प्रिपेयर्ड सर बिलाल आरिफ व्हाट्सएप 03026617439 नोट्स, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव पास माई टेस्ट विद गुड मार्क्स। सर योर नोट्स इज स्पेशली अकेडमिक पोर्शन इज टू मच गुड हेल्पफुल एंड मैनी ऑफ द बॉयज फेल्ड इन द टेस्ट। I also worried but sir your notes helped me a lot and I have passed the test almost 80% paper is from your repeated notes.
I advise you all must pass and bilal notes and pass your test with good marks. بیٹا الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ بچے نے ہمارے نوٹس کیے تھے تو اللہ کا شکر ہے ان کا ٹیسٹ اچھے مارکس کے ساتھ پاس ہوا. انہوں نے بتایا کہ 80% پیپر 80% ٹیسٹ جو ہے وہ ہمارے نوٹس سے آیا تھا اور آج بہت سے بچے ٹیسٹ میں فیل ہوئے ہیں. دا اسپیسیفک رزسٹنس آف اے وائر ویریز ود اٹس. اسپیسیفک رزسٹنس ایک وائر کی کس چیز سے ویری کرتی ہے؟ اس کے مٹیریل سے. دا اسپیڈ آف دا لائٹ ول بی ڈیکریز ویئر ود دی رائز ان دا ٹمپریچر آف دا میڈیم. ٹرو آر فالس. تو ہمارے پاس اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے؟ فالس, کیونکہ یہ چینج نہیں ہوگی. اینٹونیم آف انٹرنل. تو انٹرنل کا اینٹونیم بتائیے تو وہ ہے آؤٹر. اینٹونیم آف ایریلیونٹ, تو اس کا آپ نے ورلڈ بتا دینا کہ ریلیونٹ ہے. سینونیم آف ورک, یہ آپ بتائیں اس میں کیا آئے گا. پریپوزیشن یوزز, ایڈیم ایٹسٹرا. تو بیٹا پریپوزیشن کے یوزز کے کویشچن بھی آئے تھے. بیٹا آپ بچوں کے میں صرف ایک منٹ لوں گا, کائنڈلی آپ مجھے ایک منٹ ضرور دیجیے گا. مطلب جس جس بچے کا پاکستان ایئر فورس میں ابھی قریب کل ٹیسٹ ہے یا اپ کمنگ ڈیٹس میں ٹیسٹ ہے, تو بیٹا ہمارے پاس آپ کی تیاری کے لیے تمام برانچز کے جی ڈی پی کے, سی اے ای کے, ڈی ایس ایڈمن اسپیشل ڈیوٹی, لاجسٹک, آئی ٹی, ایم ای ٹی, اکاؤنٹ برانچ کے نیچر ٹیسٹ کی پریپریشن کے لیے موسٹ امپارٹنٹ ریپیٹیڈ اتھنٹک اینڈ گارنٹیڈ نوٹسز اویلیبل ہیں, جس میں ہم آپ کو انٹیلیجنس وربل نان وربل کے فلی اتھنٹک اینڈ ریپیٹیڈ نوٹسز دیں گے. اور آلموسٹ ہماری 5 فائل ہیں اور 600 کویشچن ہیں. اگر آپ ان کو کر لو تو بیٹا گارنٹی ہے انشاءاللہ اچھے سے اچھے وے میں آپ اپنا ٹیسٹ گارنٹی سے پاس کر لو گے. اور اس کے ساتھ بیٹا اکیڈمک ہے جس میں 700 کویشچن ہیں, تمام فیلڈ کے لیے, تمام برانچز کے لیے ڈیفرنٹ ہیں اور تمام سینٹر کے لیے ڈیفرنٹ ہے. آپ ہمیں فی کے بعد اپنا سینٹر بتائیں گے, آپ کو آپ کے سینٹر کے اکارڈنگلی موسٹ رپیٹیڈ اینڈ گارنٹیڈ نوٹسز دیں گے. جو کویشچن بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں وہ پرووائڈ کیے جائیں گے, پاس پیپر دیں گے, انٹیلیجنس اور اکیڈمک پرووائڈ کیا جائے گا, فلی اتھنٹک اور رپیٹیڈ ہوں گے. تو جو جو بچہ انٹرسٹیڈ ہے اور اپنی تیاری کرنا چاہتا ہے, اپنا ٹیسٹ اچھے مارکس کے ساتھ پاس کرنا چاہتا ہے, صرف پاس نہیں کرنا چاہتا, اچھے مارکس کے ساتھ پاس کرنا چاہتا ہے, تو وہ ابھی واٹس ایپ کیجیے 03026617439 از آر واٹس ایپ نمبر. آپ آ جائیں, کمپلین نوٹسز پرچیز کریں اور اپنی تیاری کریں, اچھے مارکس کے ساتھ اپنا ٹیسٹ پاس کریں اور فی بہت ہی مناسب ہے. ٹھیک ہے, تو بیٹا آپ آ جائیں کالج آف ایرونوٹیکل انجینئرنگ سی اے ای کے نیچرل ڈیسک کی طرف. اکثر ندیم ہے ان کا نام, ٹریڈ سی اے ای اور ماشاء اللہ پاس ہے. لاہور میں ٹیسٹ تھا اور 11 ستمبر. مین کیا سر, آج صبح ٹیسٹ تھا, الحمدللہ میں نے اچھے مارکس کے ساتھ پاس کیا, آپ کے نوٹ سے بڑی ہیلپ ہوئی. سر وربل میں سنگل از ٹو ڈبل اینڈ ون از ٹو ٹوائس. آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ کو وہ ٹو بھی ہے, ون از ٹو ٹو بھی آ سکتا ہے, تو آپ نے ٹوائس لگانا ہے ڈبل. وچ ول کم ان دا نیکسٹ سیریز کو کمپلیٹ کرنا ہے, بی ڈی جی کے پی, تو وی ہمارے پاس جو ہے وہ نیکسٹ آئے گا. اگین سیریز کا کویشچن ہے 11, 8, 16, 17, 14, 28, تو ہمارے پاس نیکسٹ کیا آئے گا, 29. لائٹ از ٹو آئی اینڈ ساؤنڈ از ٹو ایئر. ہم لائٹ کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں نا, تو ساؤنڈ کو کانوں سے سنتے ہیں. گرلز ویئر گلاسز, کیوں گرلز کیوں گلاسز پہنتی ہیں؟ تو بیٹا آپ کے پاس چار آپشن ہوں گے کہ آپ نے اچھا لگانا ہے, تو یہ بہترین ہوگا کہ لک اسمارٹ. وٹ ول کم نیکسٹ ان دا فالوئنگ سیریز. پھر سیریز آپ کے ٹیسٹ میں بیٹا وربل میں زیادہ سیریز کے کویشچن آ رہے ہیں اور آنے بھی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد بیٹا بچے نے بتایا سر وربل ٹوٹلی آپ کے نوٹسز سے تھا, جو آپ نے 5 فائل ہمیں دی تھی اسی سے سارا کویشچن آئے تھے. جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ بیٹا ہمارے 5 فائل ہیں جن کو آپ اچھے سے پریپیئر کر سکے, اپنا وربل کا پورشن پاس کر سکتے ہیں. بک از ٹو ٹائٹل. بک کو ہم ٹائٹل سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. مین از ٹو نیم. انسرٹ دا کریکٹ نمبر 49, 48, 45, 40, 33 and 24. 13 ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے. اب اکیڈمک کی طرف آئیں. سر بہت ہی مشکل ٹیسٹ تھا اکیڈمک, بہت لڑکے لڑکیاں فیل ہوئی آج ٹیسٹ میں. سر ٹیسٹ میں میتھ, انگلش, فزکس کے کویشچن تھے. سر فزکس میں واشنگ مشین ورک آن دی پرنسپل آف, واشنگ مشین ورک کرتی ہے کس پرنسپل پہ؟ تو بیٹا یہ سینٹریفیوگیشن پہ کرتی ہے. وین اے بال تھرو اپورڈ وٹ ہیپن اٹس ایکسلریشن, تو اٹ ریمین کانسٹنٹ. میگنیفائنگ گلاس از میڈ آف وچ ٹائپ آف لینس, تو ہمارے پاس کیا کریکٹ ہے؟ کنویکس لینس. بیٹا آپ نے دیکھا کہ کس طرح مشکل سے مشکل وربل بھی آ رہا ہے اور اس کے ساتھ مشکل اکیڈمک آ رہا ہے, تو آپ اچھی تیاری کر کے جانا بیٹا, نہیں تو ٹیسٹ پاس نہیں ہوگا. جس طرح بہت سے بچے فیل ہوئے, تو ایسا نہ ہو کہ مشکل بنے. آپ کی تیاری جتنی اچھی ہوگی اتنا فائدہ ہوگا. الحمدللہ ہمارے نوٹس آپ کے لیے اویلیبل ہیں, آپ پرچیز کر کے گارنٹی سے ٹیسٹ پاس کر سکتے ہو. واٹ کلر ول ا ریڈ گلاس اپیئر اف ہٹ اٹ ان ڈارک روم, تو یہ گرین ہو جائے گا.
और उसके बाद बेटा बच्चे ने बताया कि मैंने सर बिलाल आड़ी व्हाट्सएप 03026602661743 के नोट्स प्रिपेयर किए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट अच्छे मार्क्स के साथ पास हो गया। थैंक्स सर, आपके नोट्स बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन, स्पेशली एकेडमिक में बहुत ही क्वेश्चन रिपीट हुए और सर आपके नोट्स से मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। लास्ट टाइम मैं टेस्ट में फेल हो गई थी एकेडमिक में, बट सर इस बार आपके नोट्स से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना टेस्ट पास किया। बहुत शुक्रिया। आप भी सर बिलाल का नोट्स अच्छे से कीजिए और अपना टेस्ट पास। देखिए बेटा कि जिस तरह बच्ची ने बताया कि ये लास्ट टाइम सीई का टेस्ट दी थी और लास्ट टाइम ये एकेडमिक में फेल हो गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमने इनको गारंटी दी थी कि बेटी आप हमारे नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना, तो अच्छे से इन्होंने प्रिपेयर किया, टेस्ट दिए और अपना टेस्ट माशाल्लाह पास किया। अगर आप भी परेशान हैं तो बेटा नंबर आपको नीचे नज़र आ रहा है, आप अभी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपना टेस्ट अच्छे मार्क्स के साथ पास भी कर सकते हो। व्हाट हैपन टू अ सरफेस टेंशन आवर वाटर व्हेन अ डिटर्जेंट इज एडेड टू इट, तो ये डिक्रीज हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन, वैल्यू ऑफ जी बतानी है कि कितनी है। सिनोनिम ऑफ लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है। सिनोनिम ऑफ ऑर्डिनरी यूजुअल या नॉर्मल, ठीक है। इंग्लिश सर बिलाल आरिफ आपकी प्रोवाइडेड फाइल से ही था। सिनोनिम ऑफ ऑप्टिमाइस्टिक, तो पॉजिटिव इसका करेक्ट आंसर है। सिनोनिम ऑफ न्यूमरस, तो इसका मैनी है। सिनोनिम ऑफ अफेंट, तो इसका अपसेट है। मैथ में सर इंटीग्रेशन फैक्टराइजेशन थ्योरम एंगल के रिलेटेड क्वेश्चन थे, टोटली सर बिलाल आरिफ के नोट से आए थे। तो बेटा आपने देखा कि मैथ में किस तरह के क्वेश्चन हैं, इंटीग्रेशन आ रही है, फैक्टराइजेशन आ रही है, थ्योरम आ रहे हैं, एंगल आ रहे हैं, आने तो एमसीक्यूज हैं सारे, बट बेटा किस किस टॉपिक से आ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप हमारे नोट्स लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे मार्क्स के साथ पास कर सकते हैं। अब हमारे पास बेटा लास्ट एक्सपीरियंस है लॉजिस्टिक और एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी का। ये दो बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत कम कम ना, छोटे छोटे थोड़े थोड़े से क्वेश्चन बताए इन्होंने। एक बच्चा रजा है और एक अहमद है, इन्होंने बताया है। एक बच्चे का मुल्तान सेंटर है और एक का सखड़ में था। लॉजिस्टिक और एडमिन स्पेशल ड्यूटी का माशाल्लाह पास्ट है। फिश इज़ टू स्विमिंग एंड स्नेक इज़ टू क्रॉलिंग, ठीक है। इफ स्टेप इज़ कोडेड, स्टेप को कोडेड किया गया है 3165 से, देन पेट्स इज कोडेड एज। मैं आपको ना सिंपल इसकी ट्रिक बताऊं, स्टेप है ना, तो इसमें बेटा ये देखें आगे पेट्स पूछा गया। अब उसने क्या किया है, स्टेप को उल्टा लिख दिया, पी उधर ले गया, ई भी उधर ले गया, टी इधर ले आया और एस भी इधर ले आया। तो ये सेम इसी तरह आपने कोड को चेंज कर देना है, इसको लास्ट पे ले आना, फिर वन को ले आना, इस तरह से आपने कर लेना है, ठीक है। तो इजीली हो जाएगा आपका, थोड़ी गौर करेंगे तो इजीली हो जाता है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, सीरीज को कंप्लीट करें बेटा, सीरीज कंप्लीशन के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आगे अभी सीरीज के हैं। सा इज़ टू सीड, रीप इज़ टू क्रॉप, विच आर द फॉलोइंग डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, चेयर हमारे पास करेक्ट आंसर है। अब हम अकेडमी की तरफ बढ़ते हैं। एंटोनियम ऑफ एफ्लुवियम, तो फ्रेग्रेंस इज आर करेक्ट आंसर। एंटोनियम ऑफ लिग्रेबियस, चीयरफुल। देखें किस किस तरह के अजीब लफ्ज आए हुए हैं। मैं आपको बताया चलूँ कि एयरफोर्स का टेस्ट बेटा बहुत मुश्किल होता है, ये पीएमए का टेस्ट नहीं है जहाँ जनरल नॉलेज आया और हो गया, ये नॉन कमीशन नहीं है जहाँ बस सिनोनिम ऑफ सैड का पूछ लें या खुश का हैप्पी का पूछ लिया, नहीं ये कमीशन है। इसका बेटा टेस्ट मुश्किल है, अगर तैयारी अच्छी होगी तो ही पास होगा, अदरवाइज टेस्ट पास नहीं हो सकता है इसका। जो बताइए कि मेरे इंटर में 1000 नंबर है और मैं कर लूँगा पास, बेटा ऐसा नहीं है, जितनी तैयारी होगी उतना बेनिफिट होगा। सिनोनिम ऑफ एनजाइटी वर्ड, सिनोनिम ऑफ सुपरवीन फॉलो, सिनोनिम ऑफ एटिल वी, ये देखें किस तरह का लफ्ज़ है, पढ़ने नहीं हो रहा है, क्या लफ्ज सिनोनिम आए हुए हैं, बट क्या करें अब आपको करने हैं, ठीक है। और उसके बाद बेटा हम फिजिक्स के क्वेश्चन देखें। हु हैड द शोड दैट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव आर इक्वल इन वैक्यूम, किसने बताया था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव जो है वो इक्वल होती हैं वैक्यूम में, तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। What is the escape velocity of moon? Moon की escape velocity बताइए 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। और बेटा उसके बाद बच्चे ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने, आप कहेंगे कि सर क्या बार बार अपनी मशहूरी दे रहे हैं, तो बेटा ऐसा नहीं है, ये बच्चा बता रहा है जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है ये वो बता रहा है, ठीक है। ये आपके एक्सपीरियंस का पार्ट है, मैंने सिर्फ आपका एक मिनट लिया था ऊपर जहाँ मैंने बताया था कि हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं, उसके बाद तो नहीं ना मैंने कहा। तो बेटा इस बच्चे ने भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नोट्स को प्रिपेयर किया और ये माशाल्लाह पास हुए हैं अच्छे मार्क्स के साथ, और इन्होंने आप सभी को भी यही कहना चाहते हैं कि आप भी हमारे नोट्स को प्रिपेयर करके अपना टेस्ट अच्छे मार्क्स के साथ पास कर लीजिए। व्हाट डज अ लिक्विड ड्रॉप टेंड टू अज्यूम अ स्फेरिकल शेप टू मिनिमाइज सरफेस टेंशन। सर बिलाल एकेडमिक ऑल क्वेश्चन फ्रॉम योर गुड नोट्स एंड ऑथेंटिक नोट्स, थैंक्स अ लॉट। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स,
क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो बेटा ये आज के एक्सपीरियंसेस थे। मैं सुबह का बच्चों से कांटेक्ट में था कि मैंने कहा यार बच्चे हम सबसे पहले एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो काइंडली जैसे ही आप टेस्ट देके आओ तो मुझे एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। फिर उन्होंने शेयर तो कर दिए थे टाइमली, बट फिर इनके मैंने आंसर ढूंढे हैं कि आपको आंसर के साथ प्रोवाइड कर सकूँ ताकि आपकी आपको वीडियो देखने का बेनिफिट हो, आपको फ़ायदा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा आज के अथेंटिक एक्सपीरियंसेस आपने देखे। तो अगर आप अपना टेस्ट पास करना चाहते हो तो अभी व्हाट्सअप करो और अपना टेस्ट अच्छे मार्क्स के साथ पास कर लो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।